अपना पैराशूट खोल लो वरना नीचे आकर तुम पूरे खुल जाओगे। उन सब की फटी पड़ी थी। तो आखिर में तुम्हारी अक्ल का ताला खुला और तुमने पैराशूट खोला। अरे मैं घंटा पैराशूट खोलूंगा नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे नकली नॉर्टन की नहीं असली एक्शन करना था। अच्छा। पता है टॉम क्रूज पैराशूट्स को क्या कहता है? डायपर्स। क्योंकि डर के मारे सुसु निकल जाती है। नहीं, टॉम ने कहा केविन पैराशूट फट्टू पहनते हैं। जिस दिन मैं पैराशूट पहनूं समझ लेना डायपर पहनने की उम्र आ गई। देखो केविन, पहली फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी तो हमें लगता है कि द जेफरसन एक जबरदस्त फ्रेंचाइजी बन सकती है, पर तुम्हारे एजेंट ने कहा कि तुम सीक्वल के लिए नाटक कर रहे हो, तो क्या तुम्हें बजट को लेकर कोई इशू है? देखो द जेफरसन कमाल की है ना, हमने अच्छा काम किया, लेकिन सच कहूँ तो जब सेट पर जाता हूँ तो मुझे लगता है मैं दूध पीता बच्चा हूँ। वहाँ जाता हूँ तो मदद के लिए स्टंट कोऑर्डिनेटर्स हैं और स्टेज मैनेजर्स हैं, वायर्स, ग्रीन स्क्रीन। हाँ, और इन सब के बावजूद तुम प्लेन से बिना पैराशूट पहने कूद गए। झूठ बोले कौवा काटे, मैंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई, मैं फेंक रहा था तो। मैंने अब तक तुम्हें जो कहा सब झूठ था, बिल्कुल भी सच नहीं था। मैंने झूठी कहानी बनाई, नाटक कर रहा था। लेकिन मैंने ये नाटक क्यों किया? क्योंकि मैं नहीं हूँ कोई असली एक्शन स्टार। डेब केविन, जिस शो को सिर्फ बूढ़े अंकल आंटी देखते थे उसे तुमने अपने एक्शन से फाड़ू बना दिया। ओके, तुम एक असली एक्शन स्टार हो। नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं? नहीं, लेकिन बन जाऊंगा जब तुम मेरी अगली फिल्म में पैसे लगाओगी। ओके डेब, मैं तुम्हें जो प्लान बताने वाला हूँ तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचोगी तो पसंद आएगा। आंखें बंद करो। ठीक है डेब, जरा सोचो कि तुम एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रही हो। कान खोल के सुन लो अमीरजादो, कहने और जो कुछ भी है हमारे हवाले कर दो। इतना टाइम क्यों लग रहा है? बैग में भर दो। चलो चलो जल्दी, घबराओ मत, घबराओ मत। हर महंगी चीज जल्दी करो।